जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। भाषा दो प्रकार की होती है, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त भाषा को आदमी समझ सकता है, शब्द को जानता है, अर्थ को जानता है, और उच्चारण सही होता है उसका अर्थ आदमी पकड़ लेता है। किंतु जो अव्यक्त भाषा है, ध्वनि है, उसके अर्थ को समझना बड़ा कठिन होता है। उससे क्या अर्थ निकल रहा है, या वह ध्वनि क्या कहना चाहती है, उससे पकड़ने के लिए एक अंतर्दृष्टि की जरूरत है। यह माना जाता है कि तीर्थंकर के समवसरण में विराजमान होने पर देव दुंदुभी होती, देवता आकाश में दुंदुभी बजाती। अब यह तो एक स्थूल बात है कि देवता दुंदुभी बजाते हैं, क्यों बजाते हैं, उसका तात्पर्य क्या है, उसका रहस्य क्या है, उस अर्थ को समझना यह एक अंतर्दृष्टा कवि का काम है। स्तुतिकार अंतर्दृष्टि वाले कवि हैं, उन्होंने उसे समझने का प्रयत्न किया और बताया कि देखो, केवल इसको अतिशय मत मानो, केवल विशेषता मत मानो, केवल कर्णप्रिय है इतना ही मत मानो, उसकी ध्वनि को, उसके कथ्य को, प्रतिपाद्य को पकड़ने का प्रयत्न करो। और उसका प्रतिपाद्य क्या है, क्या कहना चाह रही है, उसे समझो। तो शायद हर कोई आदमी समझ नहीं सकता, तो किसी ने अज्ञात रूप में कवि से भी पूछ लिया, स्तुतिकार से, कि आप बताएं कि वह क्या है, क्या कहना चाहती है, वह दुंदुभी क्या कहना चाहती है, उसमें से क्या प्रतिपाद्य आ रहा है, आप इसको स्पष्ट करें। तो कवि ने कहा, मैंने उसको समझने का प्रयत्न किया है और उस तात्पर्य को पकड़ा है कि वह क्या कह रही है, तो हमें बताएं। तो कवि ने कहा, देखो सुनो, वह दुंदुभी ये बात कह रही है कि अगर तुम मोक्ष जाना चाहते हो, निर्वृत्ति पुविंग मोक्ष नगरी में जाना चाहते हो, तो सार्थवाह की शरण ले लो, प्रमाद मवधूय भजद्वमेनम। यह रहा तुम्हारे सामने सार्थवाह, ये पार्श प्रभु सार्थवाह है। प्राचीन काल में सार्थवाह का बड़ा महत्व था, आज तो और इतने साधन विकसित हो गए कि सार्थवाह की परंपरा ही समाप्त हो गई। प्राचीन काल में जंगल बहुत थे, रास्ता पार करना बड़ा कठिन होता था, आज तो अब जंगलों की बहुत कटाई हो गई,
सड़कें भी बन गई। पुराने जमाने में सड़कें भी नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, पगडंडियाँ थी, जंगल बहुत। अब एक नगर से दूसरे नगर व्यापार के लिए जाना है, इक्का दुक्का आदमी तो जाने की स्थिति में भी नहीं होता। तब एक व्यवस्था की, सथवाड़ा करे सार्थ, एक सार्थ जाएगा, सैकड़ों सैकड़ों आदमी साथ में मिलकर और उस रास्ते को पार करेंगे। उनमें जो प्रमुख होता उसका नाम था सार्थवाह, सार्थवाह वह प्रमुख होता और उसके आदेशानुसार सारा सार्थ चलता और रास्ते में उनके भोजन की, पानी की, आवास की, सारी सुविधाओं की व्यवस्था करना यह सार्थवाह का दायित्व होता था और उसके भरोसे लोग उसके साथ जाते थे। नदी समुद्र को पार करना, वहां भी सार्थवाह की शरण लेते। अब नदी को पार करना है, कहीं समुद्र को पार कर जाना है, तो वहां भी सार्थवाह होते और सार्थवाह की शरण में आकर लोग निश्चिंतता का अनुभव करते। स्तुतिकार ने कहा रास्ता बहुत लंबा है, मोक्ष का रास्ता तो बहुत लंबा है, इतना लंबा रास्ता इस दुनिया में तो नहीं है। यहाँ तो 25,000 माइल की दुनिया में बड़े से बड़ा रास्ता हो तो 25,000-30,000 किलोमीटर का घूम घाम कर हो सकता है, पर वह तो हजारों हजारों योजन का लंबा रास्ता है, इतना लंबा रास्ता है, इतनी दूरी है। अगर वहाँ तुम जाना चाहते हो, अकेले नहीं जा पाओगे, किसी सार्थवाह का चुनाव करो। भो भो प्रमाद मौधूय, इसमें गलती मत करना, प्रमाद मत करना, विस्मृति भी मत करना, भूल चूक मत करना, एकदम सावधानी के साथ सार्थवाह का चुनाव करो और उस सार्थवाह के पास आ जाओ, उसकी शरण में आ जाओ और उसे सूचना दे दो कि मैं आपके सार्थ में चलना चाहता हूँ। यह बात बताने के लिए वह दुंदुभी है, निवेदयति, जनता को निवेदित कर रही है अपनी ध्वनि के द्वारा, अपने नाद के द्वारा, कि तुम सावधानी से मेरी बात सुनो और अगर मोक्षपुरी में जाना है तो अरहत पार्श्व प्रभु सार्थवाह है, इनकी शरण में आ जाओ। एक दुंदुभी की ध्वनि की सार्थकता हो गई, कोरा मनोरंजन नहीं, उसके साथ अर्थ है, सार्थकता है, एक अर्थ है, प्रयोजन है और वह जो संदेश दे रही है वह संदेश बहुत काम का संदेश है। तो स्तुतिकार ने उस दुंदुभी की सार्थकता का प्रतिपादन किया और साथ साथ में एक ऐसे सार्थवाह की खोज कर ली और बता दी कि सार्थवाह कौन है। यदि तुम वहाँ मोक्ष में जाना चाहते हो तो सबसे उत्तम सर्वोत्तम सार्थवाह अरहत पार्श्व है तुम्हारे साथ। यह भी माना जाता है कि तीर्थंकर समव शरण में विराजमान होकर प्रवचन करते हैं तो उनके सिर पर तीन छत्र होते, एक छत्र दूसरा ऊपर तीसरा, तीन छत्र होते हैं। जिन लोगों ने मंदिरों में देखा है आज भी तीन छत्र दिखाई देते हैं, तीन छत्र होते हैं। अब तीन छत्र का अर्थ क्या है? स्थूल दृष्टि वाला आदमी इतना ही पकड़ेगा कि अतिशय है और तीन छत्र कर दिए गए हैं, क्योंकि दृष्टि का बड़ा अंतर होता है, पकड़ने का बड़ा अंतर होता है कि बात को कैसे पकड़ा जाए और कौन व्यक्ति कैसे पकड़ सकता है, इसका एक बड़ा अपना अर्थ होता है कि कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा। अब तीन छत्र है, तीन छत्र होने का मतलब एक अर्थ है, एक प्रयोजन है और उस प्रयोजन को स्तुतिकार ने खोजा है, बड़ी पैनी दृष्टि से देखा है कि प्रभो
आपके सिर पर 3 छत्र हैं। मुझे लगता है कि ये छत्र का तो एक बहाना है, मिस है, एक ब्याज है। संस्कृत साहित्य में अलंकार के प्रकरण में एक अलंकार होता है ब्याज स्तुति, ब्याज अलंकार होता है, यानी किसी बहाने से बात को कहना, कोई मिस लेकर बात को कहना, एक बहाना है, मिस है ये तो 3 छत्र का। वास्तव में क्या हुआ है, कई घटना घटित हो गई। क्या हुआ कि जब आपने पूरे विश्व में उद्योत कर दिया, उद्योत एक होता है आतप, एक होता है उद्योत। सूर्य का आतप होता है, चंद्रमा का उद्योत होता है, प्रकाश दोनों है, पर जिस प्रकाश के साथ उष्मा होती है वह आतप हो जाता है, और जिस प्रकाश के साथ शीतलता होती है वह उद्योत होता है। तो प्रभु आपने प्रकाश भी किया और शीतलता के साथ किया, उसका उसमें उष्मा नहीं है, उसमें ताप नहीं है। जब आपने पूरे जगत को उद्योतित कर दिया तब चंद्रमा ने सोचा अब मेरा कोई काम रहा नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरा काम तो सफल हो गया, मेरा काम था उद्योत करना है, उद्योत तो प्रभु पार्श्व ने कर दिया, त्रिभुवनेषु तीनों लोकों में उद्योत कर दिया। तो चंद्रमा फिर विहिताधिकार है अथवा विहताधिकार है, दो पाठ मिलते हैं, विहिताधिकार या विहताधिकार। विहिताधिकार उसने सोचा कि मेरा अधिकार अब संपन्न हो गया, विहित हो गया, संपन्न हो गया, अब मुझे कुछ करना नहीं है। अथवा यह भी सोचा कि विहताधिकार है, मेरा अधिकार अब विहित हो गया, समाप्त हो गया, मेरा अधिकार नहीं रहा, उद्योत करना मेरा काम था, किंतु अर्हत प्रभु पार्श्व ने पूरे जगत में उद्योत कर दिया तो मेरा अधिकार तो छिन गया, अपने आप ही समाप्त हो गया, विहित हो गया, अब मुझे कुछ करना नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। चंद्रमा ने उत्प्रेक्षा की, चिंतन किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो एक उत्प्रेक्षा के द्वारा नया रास्ता खोज लिया कि मैं अर्हत प्रभु पार्श्व के सिर पर छत्र बन जाऊं। तो चंद्रमा ने अपने 3 रूप बना लिए, 3 शरीर, त्रिशरीरधारी, 3 शरीर बना लिए, ये 3 छत्र हैं, ये उद्योत का प्रतिनिधित्व करने वाला चंद्रमा, उसने 3 शरीर त्रिमूर्ति बन गया, 3 शरीर धारण कर लिए, वे आपके सिर पर 3 छत्र है। सुंदर कल्पना, एक खोज है साथ में कि छत्र श्वेत होता है, श्वेत है, और छत्र में प्रायः दिखाया जाता है कि मोतियों की माला लटक रही है, मोती लटक रहे हैं। तो छत्र कैसा बना कि मुक्ता कलापोच्छसिता तपत्र, उस मुक्ता कलाप मोतियों की माला से उच्छ्वसित हो रहा है, इतना बढ़िया छत्र का रूप धारण कर लिया। अब इस कल्पना के साथ हम और गहरे में जाएं और उसे और अधिक गहराई से समझने का प्रयत्न करें तो योग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र और ध्यान की दृष्टि से विचार करें तो मस्तिष्क का हमारा भाग यह सर्वोत्तम शरीर का भाग है। हाथ बहुत काम का है, पैर भी बहुत काम का है, किंतु सबसे ज्यादा काम का उपयोगी अंग हमारा कौन सा है, वह मस्तिष्क है, क्योंकि संचालन वह कर रहा है। ऐसे लोगों को देखा कि जिनके दोनों हाथ कटे हुए हैं फिर भी काम कर रहे हैं, हाथ कटा हुआ है तो पैर से सिलाई भी कर रहा है, पैर अंगूठे से लिख भी रहा है,
अपना काम चला लेता है क्योंकि मस्तिष्क अच्छा है। हाथ कट गए, पैर भी कट गए तो भी काम चला रहा है। और ऐसे वैज्ञानिक जो आज विद्यमान हैं कि वे शारीरिक दृष्टि से बहुत लाचार, किंतु दुनिया का सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक जो कुछ वर्ष पहले अभी हिंदुस्तान की यात्रा पर आया था, तो सर्वोत्तम, इसका नाम ही संस्कृत में उत्तमांग है, उत्तम अंग, सब अंगों में उत्तम अंग यह है, सारा संचालन यह करता है। सिर के होने पर और अंगों का काम भी अपने आप हो जाता है, और सिर के न होने पर सारे अंग निकम्मे बन जाते हैं। यह हमारा मस्तिष्क का भाव। अब जो मस्तिष्क है वह चेतना का केंद्र है। हम लोग प्रेक्षा ध्यान किए समय या सफेद रंग का ध्यान कराते, सफेद रंग का ध्यान, सफेद रंग का ध्यान मस्तिष्क की क्षमताओं का विकास करता है, और जितने आवेग, आवेश, उत्तेजना, क्रोध, अहंकार, लोभ, काम, वासना, इनसे होने वाले जितने आवेग और आवेश हैं, उन सब को शांत करने का एक उत्तम साधन है सफेद रंग का ध्यान। तो वह छत्र इस बात का प्रतीक है, तीर्थंकर के सिर पर तीन छत्र हैं, श्वेत छत्र हैं, इस बात का प्रतीक है कि चेतना का पूर्ण विकास हो चुका है, चेतना की पूरी निर्मलता प्राप्त हो चुकी है, उसमें कहीं मलिनता नहीं रही, मुक्ता की तरह श्वेत, श्वेत रंग। हठयोग में कहते हैं सहस्रार चक्र, प्रेक्षा ध्यान में हम कहते हैं ज्ञान केंद्र। हमारी ज्ञान का केंद्र, चेतना का केंद्र मस्तिष्क है। जिसका मस्तिष्क ठंडा रहता है वह आदमी अच्छा काम करता है, और जिसका मस्तिष्क गर्म हो जाता है वह सारा गलत काम करता है। और कहावत भी चल पड़ी कि पैर गर्म और सिर ठंडा, सिर ठंडा चाहिए, फिर कोई चिकित्सा करने आए तो अब आगे की बात अपने आप समझ लें, ठंडा मारने की जरूरत नहीं है इनको, सिर ठंडा होना चाहिए। एक बहुत ही रहस्यपूर्ण अध्यात्म का प्रयोग है कि हमारा मस्तिष्क ठंडा रहे, शीतल रहे, और उस शीतलता का प्रतीक है वह श्वेत रंग, चाहे मोती हो और चाहे वह छत्र हो मुक्ता से युक्त, वह श्वेत छत्र इस बात की सूचना दे रहा है। एक नहीं, तीन बन गए, तीन बलय बन गए, तीन छत्र बन गए, इस बात की सूचना है कि कषाय सर्वथा समाप्त, कषाय समाप्त हो गया है। कषाय समाप्त है, उत्तेजना देने वाला तत्व है कषाय, और वह कषाय समाप्त हो गया, कषाय नहीं है, बाकी बचा नहीं है कषाय। तो फिर नियंत्रण करना भी जरूरी नहीं रहा। नियंत्रण, एक सामान्य साधक को नियंत्रण करना जरूरी होता है, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, ब्रेक लगाना होता है। आदमी जा रहा था, ड्राइवर ने अचानक कार की ब्रेक लगा दी, तो मालिक बोला अरे ब्रेक क्यों लगा दी? तो मालिक, आगे चट्टान आ गई इसलिए ब्रेक लगानी पड़ी। तो चट्टान आ गई तो क्या हुआ, ब्रेक क्यों लग गया, हॉर्न बजा देता। अब दिमाग ही ठंडा नहीं है तो हॉर्न बजाने से क्या होगा, कोई आदमी तो है नहीं, हट जाएगा, आगे चट्टान है, पर ब्रेक लगाना पड़ता है और हॉर्न भी बजाना पड़ता है जब दिमाग ठंडा नहीं होता। ये सारी बातें दिमागी उष्मा से निकलने वाली बातें हैं। मस्तिष्क उत्तेजित होता है या उत्तेजना के तत्व उसमें विद्यमान है, तब तक ये सारी बातें आती रहती है। तो हम
एक बोध पाठ ले सकते हैं कि कल्पना के द्वारा मानसिक चित्र बनाना सीख जाए। तो हम कल्पना करें, प्रेक्षा ध्यान में हम लोग प्रयोग कराते हैं, यदि आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो ललाट पर सफेद रंग का ध्यान करें, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करें, अथवा पूरे ललाट पर अष्टमी के चंद्रमा का ध्यान करें, गुस्सा आपका शांत हो जाएगा। और होता है, प्रयोग के बाद भी देखा गया अनेक व्यक्तियों को, जो भयंकर गुस्से वाले लोग थे उनका गुस्सा संतुलित हो गया। तो जब तीन छत्र बना ले ऊपर, तब तो विचित्र बात है, फिर तो आवेश के लिए स्थान ही नहीं रहता। हमारे सिर पर तीन छत्र बन गए, चाहे हम तीर्थंकर नहीं है, चाहे हम अतिशयधारी नहीं है, और चाहे कोई देवता भी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, पर जब कल्पना का कल्प वृक्ष हमारे पास है तो फिर कमी क्या है। तीन शब्द भारतीय साहित्य में बहुत चर्चित रहे, चिंतामणि, कामधेनु और कल्प वृक्ष, ये तीनों आपके पास है, हमारे पास है, सबके पास है। चिंतामणि, अगर स्वस्थ चिंतन है तो उससे बढ़कर कोई चिंतामणि रत्न नहीं हो सकता। अगर हमारी कामना स्वस्थ है तो उससे बढ़कर कोई कामधेनु नहीं है, और अगर हमारी कल्पना अच्छी है और नियोजित है तो फिर उससे बड़ा कोई कल्प वृक्ष नहीं हो सकता। तो हमारे पास कल्पना है तो कल्पना से तीन छत्र बना लें सफेद रंग के, और आप अभ्यास करें, आपको पता चलेगा, हो सकता है कि कभी कभी पार्श्व की सन्निधि में पहुंच जाए, देखने लग जाए कि प्रभु के सिर पर तीन छत्र है, तो आप भी कह सकते हैं प्रभु मेरे सिर पर भी तीन छत्र है, इसीलिए मैं आपके पास आ सका हूँ, और मेरे सारे आवेश शांत है, उत्तेजना कोई नहीं, आवेश कोई नहीं है। तो आचार्य सिद्धसेन ने अर्हत पार्श्व की स्तुति की, और स्तुति में कोई शब्दों की संयोजना नहीं है, कोरा अलंकार नहीं है, एक रहस्यों का सत्यों का उद्घाटन है, और ऐसे रहस्य और सत्य उद्घाटित किए हैं, और वे रहस्य हैं कि जिनका संयोग पाकर आदमी स्वयं पार्श्व बन जाता है, पार्श्व बन जाता है। जयाचार्य ने पार्श्व प्रभु की स्तुति में लिखा, आचार्य तुलसी ने लिखा, उसमें एक बात मर्म की बात यह कही कि प्रभु मैं उस पारस को मूल्य नहीं देता जो लोहे को सोना बना देता है, मैं उस पारस को मूल्य देता हूं जो दूसरे को अपने जैसा पारस बना देता है। बहुत बड़ी बात है पारस बना देना, लोहे को सोना बना देना बड़ी बात तो है, पर उससे छोटी बात है और बड़ी बात वह है कि दूसरे को भी पारस बना दे। यह बिल्कुल ठीक बात है कि हर व्यक्ति पारस बन सकता है, अगर वह छत्रत्रयधारी बन जाए, तीन छत्र अपने सिर पर बना ले तो पारस बन जाएगा, फिर लोहा और सोने की बात नहीं रहेगी, फिर स्वयं पारस बन जाएगा। इसलिए हम स्तुति को समझने का प्रयत्न करें, कवि के रहस्य का अवगम करें, कवि की कल्पना को समझने का प्रयत्न करें, और कवि ने जो कहा उसका प्रयोग करने का भी प्रयत्न करें, तो सचमुच यह स्तुति की बहुत बड़ी सार्थकता हमारे सामने आ सकती है। ओम। 20 वर्षों बाद आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद में आयोजित है अष्ट दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर, तारीख 10 से 17 मार्च 2023, स्थान प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद, संपर्क सूत्र 7990037704 या 9327006632। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु